भोपाल के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में इन दिनों काउंसलिंग चल रही है और अभी तक हजारों ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिनमें शादी के बाद भी मायके वाले अपनी लड़की के लगातार संपर्क में रहते हैं। दिन भर में कई बार बातें करते हैं, हर छोटी बड़ी बातों में हस्तक्षेप करते हैं और इसी वजह से लड़की अपने ससुराल वालों के साथ करीबी रिश्ता नहीं बना पाती और अपने पति और ससुराल वालों को अलग तरीके से देखती है और अपने मायके वालों से जुड़ी रहती है और उनके कहने पर ही चलती है और इससे उनकी शादीशुदा जिंदगी पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है और उससे रिश्ते बिखरने लगते हैं। कुटुंब न्यायालय की काउंसलिंग में भी अधिकतर मामले ऐसे ही सामने आए हैं जिनमें मायके वालों की दखलंदाजी की वजह से बात तलाक तक जा पहुंची है। इन सबके पीछे सबसे बड़ी वजह मोबाइल फोन है, रिश्तों को बिगाड़ने में लगा हुआ है। शादी के बाद लड़की ससुराल में सबसे ज़्यादा बातें अपने मायके में करती है और पति और ससुराल की हर बात वो अपने मायके में शेयर करती है और मायके वालों को सब कुछ बताती है। मायके वाले भी उसे ससुराल वालों को अपनी उंगली पर नचाने के नुस्खे सिखाते रहते हैं। इस कारण दंपत्ति में कभी पति पत्नी का रिश्ता बन ही नहीं पाता है और लड़की कभी ससुराल वालों को अपना मान ही नहीं पाती है और साथ ही वो अपना घर कभी नहीं बसा पाती है। ये भी सामने आया है कि ऐसे मामलों में काउंसलर की भूमिका भी कोई असर नहीं कर पा रही है। दिन पर दिन ऐसे मामले कोर्ट पहुंच रहे हैं जहां पति और पत्नी छोटी छोटी वजहों से एक दूसरे से तलाक चाहते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।